नहीं अभी कुछ नहीं बेटा, अभी स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पूर्णांकों पर संक्रियाएं क्लास लास्ट क्लास में चला था, जिन पे हमने क्या क्या सीख लिया था। एक गुणा और दूसरा योग चल रहा था। तो यहां तक बताएं सबको क्लियर था कि यस पहले मैम, हमने क्या सीखा था, गुणा करना। गुणा करने में हमारे क्या चल रहे थे, एक टेबल बताई थी कि प्लस की प्लस से गुणा होती है तो क्या आ जाता है, प्लस अंतिम चिन्ह। माइनस माइनस की माइनस से गुणा होती है तो अंतिम चिन्ह क्या आता है, माइनस। प्लस माइनस से प्लस गुणा करके प्लस देता है। बच्चों इसमें कंफ्यूजन ना हो, ये इंपॉर्टेंट है। गुणा कर रहे हैं, माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है, ठीक है। और जब दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं, एक प्लस एक माइनस हो या एक माइनस एक प्लस हो, तो दोनों गुणा करके क्या दे देते हैं, माइनस माइनस, माइनस ठीक है। पिछली क्लास में गुणा में हमने ये टेबल पढ़ी थी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन करा करें, ठीक है। अभी रिवाइज कर रहे हैं पिछला, अभी नया कुछ स्टार्ट नहीं किया है, पर सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन किया करें। देखें अब उसके बाद हमने क्या देखा था, योग। मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा जिसे आवाज नहीं आ रही है वो घर में अच्छे, जहां नेटवर्क अच्छा आता हो वहां जाके देखें, नहीं तो एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या आप देखे, योग। सेकंड हमने योग देखा। योग में हमने क्या देखा कि जब दोनों के चिन्ह समान हो, जब दोनों प्लस हो और योग करना हो, तो उसका हमें क्या करना होगा, क्रिया हमें योग की करनी होगी। क्रिया काय की होगी, योग की। जोड़ना होगा। और चिन्ह क्या होगा, दोनों पूर्णांकों के समान होगा। ये चिन्ह का है, चिन्ह दोनों पूर्णांकों के जो चिन्ह होगा वही आपका चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस। माइनस यहाँ दोनों माइनस है तो क्रिया तो योग की होगी। क्रिया तो दोनों में योग की होगी, जब जब दोनों के चिन्ह समान होंगे क्रिया योग ही होगा, पर चिन्ह वही समान चिन्ह आ जाएगा। दोनों माइनस थे तो यहाँ पे चिन्ह भी माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद जब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग होंगे, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो क्रिया क्या होगी, घटाव की होगी। क्रिया आपकी घटाव की होगी और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा था। आप सबको क्लियर था, ये यस चार्ट भी मैम, सबने बना लिया था। ये क्रिया यस क्या है, यहाँ पर योग होगा और जब दोनों के चिन्ह भिन्न होंगे तो घटाव होगा, और चिन्ह बड़े पूर्णांक या जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहे थे आप, बताएं इस पर नहीं और क्वेश्चन करके देखें एक बार, जल्दी से मैम, बताओ 55 प्लस 17 कितना होगा। नौ दस बहत्तर, 11 5 6 7 72, बिल्कुल सही। बेहतर आएगा मैम, देखिए बेहतर आएगा जब मैम, दोनों धनात्मक थे तो आपने क्या करा, जोड़ा, क्रिया योग की थी बेहतर आएगा और साइन भी आपका प्लस ही आ गया, है ना। मैम, हाँ सबका 72 आ रहा है। फिर उसके बेहतर बाद आएगा अच्छा मैम। मुझे बताओ सेकंड, -89 प्लस -7 कितना होगा। प्लस 82 -82 बच्चे ध्यान से बताओ, दोनों ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टेबल देखो पहले। नहीं -82 96 -6 कितने, मैम, +6 मैम +82 आएगा मैम, -82 -82 बच्चे, मैम, ये सब -82 आएगा। सब तुक्का क्यों लगा रहे हो, ये देखो कौन सा वाला है, माइनस, दोनों माइनस को जोड़ना है, बताओ कौन सा आएगा। दोनों माइनस, 96 हाँ माइनस का, दोनों माइनस का केस कौन सा है, माइनस है ये भी माइनस है, दोनों ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक को जोड़ना है, दोनों ऋणात्मक को जोड़ने वाला केस आपका ये है सेकंड।
ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, दोनों ऋणात्मक को जोड़ेंगे तो क्रिया क्या होगी, योग की, और चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, तो क्रिया क्या होगी, योग की। योग करना है मीन्स 89 + 7 करो, 89 + 7 कितना हो जाएगा, 96, और चिन्ह क्या दे रखा है, माइनस, अंतिम चिन्ह क्या है, माइनस, तो अंतिम चिन्ह आ गया -96। सबको समझ में आ रहा है, क्रिया योग की होगी इसलिए योग करना है, तो 89 + 7 कितना हो गया, 96, और अंतिम चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस, तो आपका आंसर क्या हो गया, -96। तो किस से नहीं, लिस्ट को समझो कि पूछ क्या रहा है, उस हिसाब से फिर आंसर दो। नेक्स्ट, 15 + -3। मैम रामपाल को बोल दो अपना माइक बंद कर ठीक लेंगे। है बच्चों, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखें। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, 15 + -23 इसका क्या होगा। सभी बच्चे चैट में आंसर मैम दो। -7, -8, मैम -8 आएगा। और कोई बच्चे माइनस का। -8 मैम -8 सभी बच्चे चैट में आंसर दे दिया माइनस करें, तो जो -38 कह रहे हैं तो -38 नहीं आएगा। इसका आंसर -8 ही है। बढ़िया, इसका आंसर माइनस -8 आठ है। क्यों? क्योंकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक, तो आपका केस कौन सा हो गया, थर्ड वाला। जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो तो क्रिया क्या होनी है, घटाव की होनी है, और चिन्ह कौन सा आना है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह हो। तो एक धनात्मक है ये आपका और दूसरा ऋणात्मक है, जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है तो क्रिया घटाव की हो रही है, तो घटाव करें तो आप बड़े में से ही तो छोटा घटाएंगे, 23 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 8, आठ तो क्रिया घटाव की होगी, घटाव की करने से आ गया आंसर 8, और चिन्ह जो होगा वो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 23 बड़ी है 15, 23 मैम। 23 बड़ी संख्या है, 23 बड़ी संख्या है, तो 23 का चिन्ह कैसा है, निगेटिव, तो अंतिम चिन्ह क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, -8, आंसर आ गया -8। क्लियर है, यस मैम। तो आप तो गलती नहीं होगी। मैम ठीक है, तो आप क्वेश्चन नो मैम सॉल्व करें, एक एक क्वेश्चन इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है -217 + 100, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव। मैम हमने कर दिया। बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी जल्दी। हो गया मैम, पहले ध्यान से सॉल्व करके दिया है आंसर सभी बच्चे, सही मैम आंसर, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, जब दोनों के चिन्ह भिन्न होंगे तो मेरा आ क्या, गया, मैंने हो गया मैम। हाँ, अभी बहुत कम बच्चों के आए हैं, केवल 6 बच्चों ने दिए हैं जवाब, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी जल्दी। अब आधे बच्चों के आंसर आ गए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। मैम हमने भी दे दिया। सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। गया। दस, 9, 8, सबको पोल में आंसर देने आते हैं ना, यस मैम। सबका यस मैम। काम कर रहा है ना, कोई ऐसा बच्चा जिसके फोन में पोल नहीं चल रहा हो। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, 2 बच्चों ने सी आंसर दिया है, तो आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा था, इसे सॉल्व करना है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों के चिन्ह जब भिन्न होते हैं तो क्रिया काय की होती है,
घटाव की, और चिन्ह कौन सा आता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो, है ना। तो घटाव कर लेते हैं, पहले आप घटाव करेंगे तो क्या आएगा, घटाने पर 217 में से 100 घटाएंगे 117, तो और बड़ी संख्या कौन सी है, 217 आपकी बड़ी संख्या है 100 से, तो 217 बड़ी संख्या है, उसका चिन्ह कैसा है, निगेटिव माइनस, तो माइनस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 117, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जिन मैंने बच्चों यही ने, बताया हाँ जिन दो बच्चों ने सी मैम, मैंने बोला, भी यही बताया था, मैंने हाँ जिन, भी यही मैं जो पता है बच्चों ज्यादातर ने डी बताया था, सबका सही है, सिर्फ दो बच्चों ने सी बताया था। उन दो बच्चों को क्लियर है कि इसका यस आंसर मैम। होगा डी होगा, माइनस का 117, ठीक है। अच्छा अब आगे, एक मिनट चलने से पहले सभी बच्चे बताओ कि आप में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि एक मोबाइल पे दो तीन बच्चे ने ज्वाइन किया हो साथ में, नो मैम, ठीक नो है। मैम, और एक और नो बात मैम, कि नो मैम, जिनके फोन में पोल सेक्शन नहीं दिख रहा हो वो यस बता दें बच्चे, आप सबके फोन में पोल सेक्शन दिख रहा है, ठीक मैम, है। यस मैम, यस मैम, तो सभी बच्चों के आंसर क्यों नहीं आते हैं पोल में, चलिए। मैम हमने इस अभी क्लास ज्वाइन की, इसलिए नहीं आया हमारा। अच्छा लेट ज्वाइन की, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, दीजिए आंसर पोल सेक्शन में। आपका क्वेश्चन है 110 प्लस माइनस का 100, इसका भी सभी बच्चे आंसर पोल में देंगे। मैम मेरा आंसर आ गया। बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें, मुझे दिख रहे हैं आपके वोट आते हुए, सभी बच्चे दें पहले। हो गया मैम। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ज्यादातर बच्चों ने सी दिया है आंसर, लेकिन बी और डी के लिए भी काफी वोट आए हैं, तीन तीन वोट आए हैं, तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। 110 प्लस माइनस का 100, एक प्लस है और दूसरा आपका क्या है, माइनस है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, तो क्रिया क्या होती है, घटाव की, और क्रिया घटाव की होती है, और चिन्ह कौन सा आता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह हो वो, सबको क्लियर है। तो घटाव करना है, तो 110 में यस से मैम, 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10, और बड़ी संख्या कौन सी है, 110 बड़ी होती है 100 से, प्लस तो 100, हाँ 110, 110 बड़ी संख्या है, और वो संख्या कैसी है, धनात्मक है, तो आंसर कैसा आएगा, धनात्मक, तो आपका आंसर आ जाएगा +10 या 10, जो कि ऑप्शन सी है, तो जिन्होंने बी, मैंने भी यही बताया था। हाँ लेकिन काफी, तीन बच्चों ने बी लगाया था और तीन बच्चों ने डी लगाया था, जिन्होंने बी और डी आंसर दिया था उन्हें क्लियर मैंने है। अभी यही लोग गलती साथ लगे।
तो आप क्लियर है कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। जी मैम, ठीक है, हम ना दोस्त ने ज्वाइन कर रहे हैं तो फुल पेमेंट सोनू कुमार के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, वो कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं तो अपना माइक म्यूट रखें। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट सीखते हैं सब्ट्रैक्शन घटाव। ये जो योग सबको आ गया समझ में? मैम। ठीक है, तो चैट यस हमने मैम। खोल दिया है, आप सभी को योग समझ में आ गया है। बच्चों चैट में रिप्लाई करो, क्लियर है या कुछ पूछना है इसमें? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, तो अब घटाव देखें। अब आपको गुणा और योग दोनों आ गया है समझ में, तो आप घटाव बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, तो घटाव आपका देखते हैं। ठीक है, नो मैम क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया या कोई डाउट नहीं है? ठीक मैम समझ में आ गया। है, तो आप तीसरा देखते हैं घटाव। तो घटाव के लिए देखो क्या होगा, सबसे पहले तीन केस होंगे इसमें भी, दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव। लेकिन इसमें आप कुछ भी मत अपना दिमाग लगाएं, इसमें सिर्फ गुणा और योग की जो टेबल है दोनों को लगाना है आपको। तो आपको क्या करना है, घटाव के वही नियम है जो योग के नियम थे, कि जब दोनों के चिन्ह समान होंगे तो क्रिया योग की होगी और वही चिन्ह आएगा। ठीक है, और जब दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे तो क्रिया घटाव की होगी और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आएगा। तो जो योग के नियम थे वही घटाव के नियम है। ठीक है, बस दो चिन्हों के बीच यदि कोई संख्या नहीं है तो उन के बीच में हम गुणा कर देंगे। ये याद रख लो कि यदि दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों के बीच में गुणा होती है। कब? जैसे ये एक चिन्ह है माइनस का और दूसरा ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो इन दो चिन्हों के बीच में, ये दो चिन्ह है इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, दोनों चिन्हों की गुणा हो रही है। तो दोनों चिन्हों की गुणा करनी है, ये आप एक नोट लिख लो अपनी कॉपी में। सबको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती है तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, गुणा होती है। जैसे यहाँ पर आप गुणा करेंगे क्या? मैम एक उदाहरण दे दीजिए। हाँ, उदाहरण मैं अभी दे रही हूँ। तो जब आप यहाँ पे देखिए, माइनस और माइनस है तो माइनस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो आप माइनस माइनस की क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, और माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, तो हमें ये घटाव में सिर्फ इतना ही करना है कि पहले एक अंतिम चिन्ह निकाल लेना है और अंतिम चिन्ह निकाल लेने के बाद उनका योग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अंतिम चिन्ह क्या हो गया, -100, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुणा करके प्लस, माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाता है -100 प्लस 130। बताओ समझ में आ रहा है? हाँ, एक बार फिर से समझो, मैंने क्या कहा, ये दो चिन्ह है इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती तो दो चिन्हों के बीच में क्या होती है, गुणा होती है। और आपने गुणा में पढ़ा है कि माइनस माइनस गुणा करके क्या दे देता है, प्लस। तो ये आपका क्या हो गया, माइनस माइनस से गुणा करके क्या आ गया, प्लस। सभी बच्चों से पहले कॉपी में लिखें। क्या लिखना है मैम? आप मुझे योग कैसे बताओ, यदि आपका क्या कितना योग आएगा, -100 प्लस 130? नहीं, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है। योग में आपने क्या पढ़ा था, जब एक ऋणात्मक हो एक धनात्मक हो तो क्या होता है, दोनों के चिन्ह भिन्न है तो क्रिया काय की होती है। हाँ, क्रिया काय की मैम होती है, 30 हाँ बढ़िया, क्रिया घटाव की होती है और चिन्ह क्या होता है, जो मैम योग 30 गुणांक का चिन्ह होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह। हाँ बच्चों, मैंने सुन लिया। +30 आएगा मैम। और चिन्ह जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है, तो क्रिया घटाव की होगी, तो 130 में से 100 घटाओगे 30 आ जाएगा।
और बड़ी संख्या 130 प्लस की है, तो आंसर भी प्लस का होगा, तो ये कितना आ जाएगा +13। तो आपका ये कितना हो जाएगा +13। बताओ सबको क्लियर हुआ ये? यस मैम, यस मैम। तो घटाव में क्या करना है, घटाव में सबसे पहले आपको चिन्ह देखने हैं। सबसे पहला काम आपको चिन्ह देखना है कि यदि किन्हीं दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो वहां गुणा कर देनी है। बच्चों माइक बंद रहने, राजेंद्र के नाम ज्वाइन किया है, अपना माइक बंद कर लें। ठीक है, तो जब कोई आपकी दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो पहले आप गुणा कर लें, फिर योग का नियम लगा दें, एडिशन का। चिन्ह करने के बाद जैसा एडिशन करते हो योग, वैसे मैम क्या लिखना था, आपने बोला था लिख लो। बच्चे यही कहा था आपसे, जैसे कि आप ये पहला नोट लिख लो, दो चिन्हों के बीच में यदि कोई संख्या नहीं है तब आप गुणा करोगे। ठीक है मैम, एक बार मैंने लिख लिया मैम, और उदाहरण भी लिख लिया मैंने। सही मैम, मैं लिख रही हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ जल्दी से लिख लें। कोई मैंने भी लिख लिया। हाँ बच्चों यदि मुझसे कुछ नहीं कह रहे हो तो अपना माइक बंद कर लें। सोनू कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, माइक बंद कर लें अपना। ठीक है लिख लिया बच्चों? ठीक है, तो अब आगे बताएं, नेक्स्ट उदाहरण है आपका 37 - 17 कितना होगा? 37 में से 17 घटाओ, 20। 7 में से 7 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, तो कितना आया 20। अच्छा अच्छा बस एक बच्चे ने बता दिया, बस 20 इसका सही आंसर हुआ। ठीक है आप नेक्स्ट बताओ, 100 - 130 कितना होगा? 30 - 30 माइनस का 30। क्यों माइनस 30? क्यों? क्योंकि आपका जब एक प्लस है एक माइनस है, 100 के आगे कोई संख्या नहीं है तो वो कैसा हो गया, प्लस का। बात समझ में आ रही है? जब 100 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो 100 कैसा हो जाएगा, धनात्मक। तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो, जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो चिन्ह कैसे हो गए, भिन्न भिन्न। तो क्रिया कैसी होती है, घटाव की। क्रिया घटाव की होती है, और चिन्ह कौन सा होता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है, यही तो होता है, यही आपने पढ़ा है। जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होती है, घटाव की, और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो 130 में से 100 घटाओगे 30, और बड़ी संख्या क्या है, 130 बड़ी संख्या है, और 130 कैसी है, निगेटिव। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 30। -3। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका माइनस का 30 आएगा, ये गलत प्रिंट हो गया, माइनस का 30। ठीक है माइनस का 30। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताओ, -37 - -17। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, दो चिन्हों के बीच में आपको कोई संख्या नहीं दिख रही है तो पहले दो चिन्हों की गुणा करोगे। बताओ गुणा करके क्या आएगा, माइनस की माइनस से गुणा, -54 आएगा मैम। मैम -20। +54 सॉरी मैम, +54। बच्चों ध्यान से हौले हौले, पहले सही से समझो, पहले मैं क्या कह रही हूँ, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती तो दोनों चिन्हों की क्या करते हैं, गुणा। माइनस माइनस की गुणा करके क्या हो जाता है आपका, प्लस। बताओ इतनी बात समझ में आई? यस मैम। तो ये आपका क्या हो गया, -37 और माइनस माइनस की गुणा होके क्या हो गया, प्लस का 17। बताओ इतनी बात समझ में आई? -14 आएगा, -20। 54 है मैम। बच्चों ये तुक्का नहीं मारो, पहले समझ लो कुछ, वो है सब तुक्का मार रहे हो, और मारना या सबको तुक्का तो चैट ऑप्शन में लिखो, फिर मैं बताऊंगी कौन सा सही है इसका। ठीक है सब ऐसे माइक पे बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा सबको। ठीक है सभी बच्चे माइक बंद करें और चैट में इसका रिप्लाई करें।
तो ये आपका ये समझ में आया। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यदि कोई दो चिन्ह है उनके बीच में कोई संख्या नहीं होगी। नोट मैंने लिखवाया था, याद आ रहा है नोट क्या था कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होगी तो आप उन दो चिन्हों की क्या करोगे, गुणा, गुणा कर दोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका क्या आ गया प्लस। तो ये क्या हो गया माइनस 37 प्लस का 17, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव दिख रहा है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न। जब दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया घटाव की होती है और चिन्ह आपका जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही चिन्ह आ जाता है। बात समझ में आ रही है, एक आपका ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक, तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न, क्रिया घटाव की करिए और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। तो घटा दीजिए, 37 में से 17 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20, और बड़ी संख्या कौन सी है 37, और 37 कैसी है निगेटिव, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 20, आंसर क्या आएगा माइनस 20। बताओ बच्चों समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। गलती तो नहीं होगी अब? ठीक है तो यस मैम, इसे एक बार नोट करना हो तो नोट कर लो, एक बार जल्दी से कॉपी में नोट कर लो ताकि आज से ये गलती नहीं हो। कर लिया मैम। सभी बच्चे नोट करें जल्दी से। मैम कर लिया नोट। हो गया मैम। मैम कर लिए नोट। ठीक है मैम, एक सेकंड हम नोट कर रहे हैं। करो करो जल्दी कर लो करो। कर लिया मैम। ठीक है, इसका अभी रह गया हो नोट करने से तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, मोबाइल फोन पे हो स्क्रीनशॉट ले लो, यदि नोट करने से रह गया बाद में उसे नोट कर लिया। ओके मैम। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। बताओ मुझे माइनस 100 माइनस माइनस का 130। सभी बच्चे चैट पे आंसर दें और माइक म्यूट कर लें, माइक म्यूट कर लें और इसका आंसर चैट में रिप्लाई करें। आने लगे बच्चों आंसर, सभी बच्चे बताएं क्या सोच रहे हैं, फिर मैं बताती हूँ कौन सा सही आंसर है। अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आया है। अब आया सही आंसर, सरोज आती और महेंद्र सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है उनके आंसर सही हैं। देखिए अभी बिल्कुल, हाँ अब सही आंसर आ रहे हैं, अब बिल्कुल आप सही उस पे आ गए, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये। सबसे पहले आपको माइनस माइनस की गुणा करनी है, माइनस माइनस की गुणा करोगे क्या आ जाएगा प्लस। समझ में आ रहा है, माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है, ये आपका माइनस का 100 प्लस का 130 हो जाएगा। माइनस का 100 प्लस 130 दोनों के चिन्ह भिन्न है तो क्रिया क्या होगी घटाव की, और चिन्ह क्या आएगा जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, क्रिया घटाव की हुई, 130 में से 100 घटेगा 30 आ जाएगा, और बड़ी संख्या कौन सी है 130, तो आंसर क्या आएगा प्लस का 13। बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। अब तो गलती नहीं होगी? नो मैम। ठीक है, तो ये आंसर आ गया प्लस 30। अब नेक्स्ट बताओ मुझे ये किसका कितना होगा, 37 माइनस माइनस 17, इसे का आंसर भी चैट में रिप्लाई करें। गुड। इसका आंसर 54 है। मैम 54 है आंसर। हाँ तो कैसे आया, माइनस माइनस की गुणा करी क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है प्लस। अच्छा बच्चों बता दिया एक बच्चे ने, आप सभी माइक पे बोलोगे तो फिर वो
अब मुझे पता चल गया आपको आ गया, अब आंसर देखिए माइनस माइनस की गुणा करी क्या हो गया प्लस, तो ये क्या आ गया 37 प्लस 17, 37 में 17 जोड़ेंगे कितना आ गया 54, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 54, क्लियर है। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट बताओ माइनस 100 माइनस 130 कितना होगा, माइनस 100 माइनस 130 माइनस 30, सभी इसका आंसर चैट में लिख लेंगे फिर मैं बताती हूँ किसका सही है। 230 माइनस 30 नहीं। देखिए अब ध्यान से क्वेश्चन क्या है आपका, माइनस द 100 माइनस 130 मैम माइनस 230 नहीं बच्चों अब ध्यान से, हाँ माइनस 230 अब सही आया, माइनस 230 सही आंसर है। तो पर कैसे आया ये देखते हैं, तुक्के नहीं भिड़ाने हैं बच्चों, ध्यान से सीखो। यहाँ पर देखो आपका अंदर 130 के अंदर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब अंदर क्या होगा प्लस साइन होगा, तो आप माइनस प्लस की गुणा करोगे तो क्या आ जाता है, माइनस की प्लस से गुणा करते हो तो माइनस ही आता है, ठीक है माइनस आता है, तो आप इसकी गुणा करोगे तो माइनस ही आएगा, तो जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो आपका क्या बन जाएगा माइनस 100 माइनस 130, ब्रैकेट खुल गई दोनों की, ब्रैकेट खुल गई, यहाँ पे भी आगे कुछ नहीं है तो ये आपका माइनस 100, यहाँ पे अंदर कुछ नहीं है तो आपका ये माइनस 130, तो ये आपका आ गया माइनस 100 माइनस 130। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान, दोनों के चिन्ह समान है, दोनों निगेटिव है, याद आ रहा है, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, दोनों ऋणात्मक है, दोनों के चिन्ह समान है, दोनों के जब चिन्ह समान होते हैं तब क्या करते हैं आप क्रिया योग की करते हैं और वही आपका चिन्ह आ जाता है माइनस का, याद आ रहा है, तो योग में यही तो करते थे, तो ये आपका क्या हो गया योग करेंगे 100 में 130 जोड़ेंगे 230 और वही आपका चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो आंसर क्या हो गया इसका माइनस 230, नोट करो इसे भी बच्चों। क्लियर है, फिर से बताऊं क्या, माइनस 100 माइनस यहाँ पे माइनस 100 माइनस 130 हो गया ब्रैकेट खुल के, और फिर दोनों के चिन्ह समान थे तो योग में क्या करते हैं योग करते हैं, और जब चिन्ह समान होते हैं तो योग की क्रिया होती है और वही चिन्ह आ जाता है, तो योग हुआ 100 में 130 जोड़ा 230 हो गया और चिन्ह भी आपका माइनस ही आ गया, तो आंसर क्या हो गया माइनस 230। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछे बच्चे। वहाँ जब ब्रैकेट के अंदर था तो प्लस था तो 12 है तो घटा कैसे हो गया, ब्रैकेट के अंदर प्लस था ठीक है पर ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस चिन्ह है, नोट मैंने क्या लिखवाया था कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती तो चिन्हों की क्या करते हैं गुणा, याद आ रहा है, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती तो चिन्हों की गुणा करते हैं, माइनस की प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है माइनस, बताएं माइनस की प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है माइनस, समझ में आया बच्चा? यस मैम। कि जब दो संख्या के बीच में कोई चिन्ह दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती, नोट क्या था, जो दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं हो तब हम उसकी क्या करते हैं गुणा, तो यही आपसे इसमें कहा जा रहा है कि अब हमें इसकी क्या करनी है गुणा, यहाँ पर दो चिन्ह माइनस और प्लस है तो इनके बीच में कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गुणा, माइनस की प्लस से गुणा करेंगे, क्लियर हुआ? यस मैम। माइनस की प्लस से गुणा करेंगे तो आपकी क्या आ गया माइनस, प्लस से गुणा करने पर आपका माइनस साइन आ जाता है, तो ये आपका माइनस आ गया, तो ये खुलने पर आपका क्या हो गया माइनस, क्लियर? ओके मैम ये क्लियर। हाँ ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चंस चलो मैं पूछती हूँ आपसे, घटाव के ही क्वेश्चन देखते हैं, आपका 150 में से
यदि 24 घटाएं तो कितना आएगा? मैम 134। ठीक है, आप सेकंड बताओ मैम। 126 आएगा। हाँ, ये सबका अब आ गया समझ में। अब उसके बाद नेक्स्ट है 24 में से माइनस माइनस 8 कितना आएगा? सही से पहले आपको क्या करना है, पहले क्या करोगे, दो चिन्हों की गुणा करके अंतिम चिन्ह निकालो, क्योंकि इन दो चिन्हों के बीच में क्या है, कोई भी संख्या नहीं है, तो इन दो चिन्हों की क्या होगी, गुणा। प्लस 32 मैम, प्लस 32 मैम। हाँ, तो पहले दो चिन्हों की गुणा करो, तो माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस। माइनस माइनस गुणा करके क्या दे देते हैं, प्लस। तो ये आपका हो जाएगा 24 प्लस 8। 24 प्लस 8 कितना हो जाता है, 32। क्लियर है सभी बच्चे? अपनी कॉपी में लिखें 24 प्लस 8 कितना हो गया, 32। प्लस 32। हाँ, प्लस 32। अब उसके बाद बताओ नेक्स्ट। माइनस 17 माइनस माइनस 12 कितना होगा? माइनस 5 मैम, माइनस 15, माइनस 15, माइनस 5 मैम। पहले तो सब लोग अपना माइक बंद करो और चैट में लिख के बताओ, माइक में सबके मैम चैट में बताएं सभी बच्चे, मैं फिर आंसर बताऊंगी। पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको दोनों निगेटिव को गुणा करनी है, दोनों चिन्हों के बीच में आपका कोई संख्या नहीं है, तो जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती तब क्या करते हैं, माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 17 प्लस 5 प्लस 12, माइनस 17 प्लस 12 होगा। बच्चों अपना माइक बंद रखें, आप में से काफी बच्चों के आंसर सही आए हैं, माइनस 5 जिसने रिप्लाई करा है उन सबके सही हैं। रेखा, विनोद सांगवान, महेंद्र सिंह, सरोज आरती, अनिल गनोडिया, इन सबके आईडी से जिन बच्चों ने ज्वाइन किया उन सबके आंसर बिल्कुल सही हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 17 प्लस 12, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न। जब चिन्ह भिन्न होते हैं तब क्रिया क्या होती है, घटाव की होती है, और चिन्ह क्या लगता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्रिया घटा की हुई, 17 में से 12 कटेगा, 17 में से 12 माइनस करोगे 5, बड़ी संख्या क्या है आपकी, 17, 17 12 से बड़ी होती है, 17 का चिन्ह क्या है, नेगेटिव, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 5। आंसर क्या आ गया, माइनस 5। क्लियर हुआ बच्चों? नोट करो इसे भी। हो गया मैम। एक लास्ट क्वेश्चन बताएं, माइनस का 25 माइनस 8 33 मैम, 33 मैम, 33 आएगा टीचर, चैट में लिख माइनस 33। आप सही आया आंसर, माइनस 33 मैम, माइनस 33, माइनस 33। अब बच्चों सुन लो, जिन्होंने प्लस 33 बोला था वो देखें, दोनों के चिन्ह क्या है, नेगेटिव, दोनों के चिन्ह नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव,
तो जब दोनों नेगेटिव होते हैं तब क्रिया योग की होती है और चिन्ह वही चिन्ह आ जाता है। तो क्या हो गया, 25 प्लस 8 33 और चिन्ह आपका माइनस का आ गया, तो ये कितना हो गया माइनस 33। क्लियर है? आप क्वेश्चन करें इस पर, सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर पोल में देंगे। अब ये आपको दो संख्याएं दे रखी है, माइनस 118 माइनस माइनस 90। इस तरह के क्वेश्चन अभी मैंने कराया था। पिछला सवाल एक बार समझा दीजिए बच्चा। अभी समझाऊंगी, पहले इसका आंसर एक बार पोल में दे दो, फिर मैं पिछला वाला भी समझा देती हूँ। ठीक है, ये पिछले वाला जैसा तो नहीं है, ये तो पहले वाला है, माइनस 118 माइनस माइनस 90। सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से देंगे। पहले देखो दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो दोनों चिन्हों की क्या करो, गुणा करो। माइनस माइनस की गुणा करोगे प्लस आ जाएगा। मैम मेरा आ गया, चार बच्चे आ गए हैं। अच्छा बस जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें, अभी आधे बच्चों के भी वोट नहीं आए हैं। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। हो गया मैम। मैम मेरा आ गया। हाँ बच्चों, अभी एक सेकेंड, नाम से नहीं पता चलता है यहाँ पे, एकदम इतना दिखता है कि कितने बच्चों ने वोट दे दिया, नाम से बाद में पता चलता है। सभी बच्चे सारे ही ऑप्शन लगा रहे हैं, ए बी सी डी। बच्चों एक ही आंसर सही है, सभी बच्चे वोट दें। राजेंद्र के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया अपना माइक म्यूट कर लें। दें सभी बच्चे वोट दें। अभी चार बच्चे रह गए हैं वोट देने से, जल्दी जल्दी पोल में आंसर दें इसका, क्या होगा माइनस 118 माइनस माइनस 90। लास्ट 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम ऑफ। तो इसमें सभी बच्चों ने ए बी सी डी सभी दिए, तो बच्चों ध्यान से बताओ क्या होगा इसका आंसर। पहले आपको क्या करना होगा, माइनस माइनस की गुणा करनी होगी, माइनस माइनस गुणा करके क्या बना देते हैं प्लस। तो ये हो गया माइनस 118 प्लस 90। एक ऋणात्मक एक धनात्मक, दोनों के चिन्ह क्या है, भिन्न भिन्न। जब दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया काय की होती है, घटाव की, और चिन्ह क्या लगता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह लगता है ना। तो घटाव करना है, 118 में से 90 घटाओगे कितना आ जाएगा 28। और बड़ी संख्या कौन सी है, 118, 90 से 118 बड़ी होती है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, निगेटिव। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 28। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। बताएं सभी बच्चों को क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो बोलिए बी लगाने। यस मैम। जिन बच्चों का आंसर गलत है वो इसे आंसर सॉल्यूशन लिखें। पहले क्या करा, माइनस माइनस की गुणा की प्लस आया। मैम मैं बी लगाने वाली थी, गलती से ए लग गया।
तो पर आपको क्वेश्चन आ गया समझ में कि माइनस माइनस करके तुक्का नहीं लगाना है कि बी लगाने वाले थे कि ए लग गया. आपको आंसर समझ में है कि बी कैसे आया, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें आता आएगी. ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया. माइनस 118 प्लस 90 कितना होगा, माइनस का 28. तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी. सबने नोट कर लिया? यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो इसका बी है माइनस 28. एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों. ये यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? पहले आपको अंतिम चिन्ह निकालना है, फिर अंतिम चिन्ह के बाद आपको वैसे ही उसे सॉल्व करना है. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और बताओ. 120 माइनस 150 कितना होगा? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, सभी इसका आंसर पोल में देंगे. हो गया मैम. आने लगे वोट, पता चल रहा है बच्चों. मेरा आ गया बच्चों, नाम मैं बता तो रही हूँ. पोल में अभी मुझे सिर्फ आपके वोट दिखते हैं कि कितने बच्चों ने वोट दे दिया. 7 बच्चों ने अभी तक दे दिया है. नाम से मुझे बाद में जब क्लास खत्म हो जाती है तब नाम से आ जाता है कि इस बच्चे ने ये ऑप्शन लगाया था. ठीक है. मैम. तो 9 बच्चों के वोट आ गए, आधे बच्चों ने वोट दे दिए. जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें. और सब्ट्रैक्शन में बच्चों अभी आप गलती बहुत कर रहे हो. आज होमवर्क में प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि इसमें भी सभी बच्चों ने सारे ही ऑप्शन लगाए हैं ए बी सी डी, पर आंसर तो सिर्फ एक ही सही है. मीन्स बहुत बच्चों के आंसर गलत है. तो ध्यान से सभी बच्चे सब्ट्रैक्शन देखेंगे. देखिए कुछ नहीं, आपको गुणा और योग आ गया है तो बस दोनों को अप्लाई करना है घटाव में. घटाव में कोई नया नियम मैंने नहीं बताया है, सिर्फ आपको गुणा और योग को अप्लाई करना है. पहले गुणा करके अंतिम चिन्ह निकाल लो कि यदि कोई दो चिन्हों के बीच में संख्या नहीं है तो उनके बीच गुणा करके अंतिम चिन्ह निकाल लो. फिर योग के जो नियम होते हैं वो योग के नियम लगा दो. यदि आपको गुणा और योग आ गई है तो आपको घटाव कुछ नहीं है उसमें. ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे वोट दें, पोल में वोट दें. लास्ट 10 सेकेंड. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट. तो मोस्टली बच्चों ने सी आंसर लगाया है, लेकिन ए बी डी के लिए भी काफी वोट्स आए हैं. तो आंसर देखते हैं इसका क्या होगा. ये आपका देखिए अंतिम चिन्ह क्या होगा, 120 माइनस 150. क्यों? क्योंकि माइनस प्लस से गुणा करके माइनस ही दे देगा. बच्चों अब माइक बंद कर लो यदि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना है तो. राजेंद्र, राजेंद्र के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है वो बच्चा अपना माइक म्यूट रखे. 120 माइनस 150 ये आपका हो गया अंतिम चिन्ह. क्यों? क्योंकि माइनस की यदि अंदर प्लस भी होगा तो माइनस की प्लस से गुणा होकर क्या आ जाता है, माइनस. ये आपका आ गया 120 माइनस 150. एक प्लस का आ रहा है, एक माइनस का है. 120 प्लस का है, 150 माइनस का है. दोनों के चिन्ह भिन्न है. जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होती है, घटाव की होती है. क्रिया घटाव की होती है और चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह आता है. तो 120 माइनस 150 करोगे क्या आ गया, घटाव करोगे. 150 में से 120 घटाओगे 30, और बड़ी संख्या कौन सी है, 150. 150 बड़ी है और 150 का साइन क्या है, माइनस. तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 30. माइनस का 30 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है. ठीक है, 5 बच्चों ने सही आंसर दिया था सी ऑप्शन, बाकी बच्चों ने गलत आंसर दिया था. बाकी बच्चों को क्लियर हुआ कि उनकी गलती क्या है? किसी को नोट करना हो तो बताएं, नोट कर सकते हैं. ठीक है मैम, हमें नोट करना है. हाँ कर ले नोट.
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया? यस मैम। तो आज की क्लास के लिए हम यही रखते हैं यहीं तक। कल सब्ट्रैक्शन के मैं कुछ क्वेश्चन और पूछूंगी आपसे, उसके बाद भाग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब परसों, ठीक है? फिर भाग देखेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो एक बार घटाव आप सभी देखकर आएंगे अपनी वर्कबुक से। वर्कबुक में जो आपकी एक्सरसाइज है 9.1, 9.2 घटाव की, वो आप होमवर्क में करके आएंगे, ठीक है? ओके मैम। आप किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैम मेरे पास वर्कबुक नहीं है। अच्छा बच्चों, जिनके पास वर्कबुक नहीं है मैं उन्हें वर्कबुक की पीडीएफ व्हाट्सएप कर